फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल। मैं जर्मनी में रहती हूँ, लेकिन इस समय मैं आई हूँ इंडिया वेकेशन पे। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ अपने साथ एक ब्यूटीफुल से लोकेशन पे, और यह है यहाँ का ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का कंप्लीट व्यू। तो चलो देखते हैं कि यह कैसा है। यह है चित्रकूट का वाटरफॉल। अब मैं आपको बता दूं कि आप इस ब्यूटीफुल से वाटरफॉल को कैसे विज़िट कर सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट विज़िट करना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जगदलपुर का एयरपोर्ट। और जगदलपुर के एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो आप हैदराबाद से फ़्लाइट ले सकते हैं या फिर आप रायपुर से फ़्लाइट ले सकते हैं। रायपुर से और हैदराबाद से आपको अराउंड 45 मिनट्स लगेंगे फ़्लाइट में जगदलपुर के एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। और जगदलपुर के एयरपोर्ट से आप बाई टैक्सी आप जा सकते हैं चित्रकूट के वाटरफॉल को विज़िट करने के लिए। और अगर आप बाई ट्रेन विज़िट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रायपुर से जगदलपुर के लिए कोई ट्रेन रूट है ही नहीं। अगर आपको ट्रेन लेनी ही है तो आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट से आना पड़ेगा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से आप ट्रेन लेके आ सकते हैं जगदलपुर। हमने चित्रकूट की जर्नी स्टार्ट की थी कोंडा गांव से बाय रोड, और यहां से इसका डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और टाइम लगेगा अराउंड 1 आवर। और अगर आप जगदलपुर से जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जगदलपुर से चित्रकूट की जर्नी है 38 किलोमीटर और टाइम लगेगा आपको अराउंड 45 मिनट्स। अगर आप कोंडा गांव से बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में पड़ेगा एक छोटा सा गांव भानपुरी, आप वहां से कट ले सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं उस भानपुरी से छोटे से गांव में और यहां से कट ले रहे हैं चित्रकूट के लिए। आप चाहें तो जगदलपुर भी जा सकते हैं, लेकिन जाते समय डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से कट लिया है चित्रकूट के लिए। और यहाँ से है इसके डिस्टेंस 27 किलोमीटर। अगर आप ये वाला रूट लेते हैं तो चित्रकूट जाने से पहले एक छोटा सा गांव है नारायणपाल, आप इसे भी विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने ज़माने का छोटा सा मंदिर है विष्णु भगवान का, तो इसी विष्णु भगवान के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया है नारायणपाल। बस्तर ज़िले के छोटे छोटे से गांव और इन हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए अब हम पहुंच चुके हैं नारायणपाल के गांव पे। यह है बहुत छोटा सा गांव, और आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ये जो बोर्ड है ये मिलेगा आपको अपने लेफ़्ट साइड पे। अगर आपने इस बोर्ड को मिस कर दिया तो आप इस टेम्पल को विज़िट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। और ये है मेन रोड से अराउंड 100 मीटर्स अंदर, तो आपको यहाँ से दिखने लगा होगा नारायणपाल का टेम्पल। ये बहुत ही पुराना सा टेंपल है विष्णु भगवान का। पहले तो इसे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में इसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संरक्षित किया है पब्लिक को दिखाने के लिए। ये पूरा ही पत्थरों से बना हुआ है, आप यहाँ पे इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो ये है विष्णु भगवान का नारायणपाल गाँव का छोटा सा टेम्पल, जो कि पूरा पत्थरों से बनाया गया है। क्योंकि ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और बहुत पुराना होने की वजह से अब यहाँ पे जगह जगह से पानी का रिसाव होने लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना पुराना बना हुआ होने के बाद भी इसकी छत या फिर जो गुंबद है वो कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये पूरा पत्थरों से बनाया गया है, आप ही देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में कलाकार कितने निपुण थे अपनी कलाकारी में, कि कितना सिमेट्रिकल इसे बनाया गया है। यहाँ पे है विष्णु भगवान की प्रतिमा। इस टेंपल को विज़िट करने के बाद अब हम फिर चल पड़ते हैं अपने चित्रकूट की जर्नी पे इन हरे भरे खेतों के बीच से गुजरते हुए।
अब हम पहुंच चुके हैं इंद्रावती नदी के पुल पे। यही नदी आगे चल के बनाएगी चित्रकूट का वाटरफॉल। इसी जगह से चित्रकूट वाटरफॉल का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, और इसी जगह पे हम कनेक्ट होते हैं मेन रोड पे जो जगदलपुर की तरफ से आती है चित्रकूट के लिए। अब हम चित्रकूट वाटरफॉल के बहुत ही पास आ गए हैं, तो उसके पहले है ये टोल नाका जो कि लोकल है, और यहाँ पे आपको रुक करके 50 रुपीज़ देने होंगे इसे क्रॉस करने के लिए। इस चित्रकूट के वाटरफॉल को देखने के लिए कोई भी फी नहीं है। तो इस टोल नाका से जो भी मनी कलेक्ट होता है वो इस जगह के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट के ब्यूटीफुल से वाटरफॉल में। तो आप देख सकते हैं कि ट्राइबल एरिया है, इसलिए यहाँ पे बने हैं 2 ट्राइबल स्टैचू। तो अब चलते हैं इसके ऊपर और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल सा चित्रकूट वाटरफॉल। ये वाटरफॉल इतना बड़ा है कि आप यहीं से ही पानी के जो गिरने की वॉइस है वो सुन सकते हैं। चित्रकूट के इस वाटरफॉल को इंडिया का नियाग्रा भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल है। मानसून की सीज़न में जो इसकी विड्थ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि है 300 मीटर्स 980 फीट। आप देख ही सकते हैं कि ये कितना, इसका विड्थ कितना ज़्यादा है। इस वाटरफॉल का जो शेप है वो है हॉर्स के शू शेप का। इसकी जो हाइट है 29 मीटर्स और 95 फीट। बारिश के सीज़न में तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इस सीज़न में इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी इस फॉल में पानी इतना ज़्यादा है इसलिए बोटिंग बंद है, लेकिन अगर आप समर के समय विज़िट करेंगे तो पानी कम हो जाएगा। और अब इस फॉल के पीछे के साइड से बोटिंग करके इस फॉल को और भी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये फॉल ब्यूटीफुल तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, इसलिए आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इस वायर की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर रखी है, और साथ में काफ़ी सारे रेलिंग्स भी बन गए हैं, इसलिए हम फॉल के नियर तक नहीं जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल थोड़ी दूरी पे है और यहाँ पर रेलिंग्स लगी है, और यहाँ से ही पब्लिक इस वाटरफॉल को एंजॉय करती है। पहले ये रेलिंग्स नहीं बनी थी तो हम काफ़ी पास तक जा सकते थे। इस वाटरफॉल के पैरेलल में ही है ये नेचर ट्रेल, यहाँ से भी आप इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वाटरफॉल को नीचे से देखने। पहले तो ये सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से अब ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं जो कि आपको नदी के पास तक लेके जाएंगी। इस जगह का डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी तरह से किया है, इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी जगह एक्सटेंशन मिल जाएंगे जहाँ से आप इस वाटरफॉल को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी जगहों से इस नीचे आने वाले रास्ते को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा गेट जो कि दूसरे साइड से इस रास्ते में कनेक्ट होता है, जिससे कि आप नीचे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम नीचे, और हम ऑलमोस्ट नीचे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से इंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल से वाटरफॉल का नज़ारा। अब आ गए हैं हम नदी के किनारे। यहाँ से वाटरफॉल का व्यू तो दिख रहा है, लेकिन बारिश में काफ़ी सारी झाड़ियाँ उगाई हैं जिससे कि क्लियर नहीं है, लेकिन समर के समय भी ये झाड़ियाँ नहीं होती हैं, जिससे कि वाटरफॉल का जो व्यू है काफ़ी क्लियर दिखता है। और आप यहीं से वाटरफॉल को इंजॉय करने के लिए बोट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर। इस वाटरफॉल के व्यू को नीचे से इंजॉय करने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है, आप यहाँ पे आके क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह है तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। यहाँ पे लगती हैं छोटी छोटी सी दुकानें जो कि यहाँ के लोकल चलाते हैं और यहाँ के लोकल प्रोड्यूस को सेल करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से चिप्स, चने और वाटर बॉटल बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे, और इसी ट्रेल पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से भी इसका वाटरफॉल का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। साथ ही है इसके साइड में वीआईपी गेस्ट हाउस जो वीआईपीस के लिए है। इस रेनी सीजन में आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं गरम गरम मैगी। अब चलते हैं इसके आगे और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के ब्यूटीफुल से कॉटेजेस। ये है यहाँ पे गेट जहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होती है। इसके चेकिंग के बाद आप चलते हैं इसके अंदर।
यहाँ से भी आपको हाउसेस दिख रहे होंगे, बट आई डोंट नो कि ये क्या हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसे विजिट किया था तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन जो रियल कॉटेजेस हैं वो काफ़ी आगे हैं और ऑलमोस्ट हमें लगेगा 5 to 7 minutes वॉक। यहाँ से दिख रहा होगा आपको ये हाउस, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, लेकिन इसमें म्यूजियम जैसा कुछ है और इसमें बनी हुई है पेंटिंग्स। क्योंकि अभी रेनी सीजन है और इस समय छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है धान, मतलब कि राइस, तो यह है राइस के खेत। ये मेरा फेवरेट लोकेशन है, तो जब भी मैं अपने होम टाउन आती हूँ तो मैं ये वाटरफॉल विज़िट करना कभी भी नहीं भूलती। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है कि जब भी आप बस्तर एरिया को विज़िट करें तो इस वाटरफॉल को देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इस कॉटेजेस में रुक भी सकते हैं। तो इन कॉटेजेस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ से आपको वाटरफॉल का व्यू थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो गया होगा, और यहाँ पर है कॉटेजेस। इस रिज़ॉर्ट का नाम है दंडामी लग्जरी रिज़ॉर्ट। यहाँ पे नेचर के बीच में ये है ब्यूटीफुल से कॉटेजेस, और इस कॉटेजेस का जो बैक साइड का है उस वहाँ से आपको दिखेगा इस वाटरफॉल का क्लियर व्यू। आप देख ही सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है ये। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और मैं कोशिश करती हूँ आपको यहाँ से वाटरफॉल का व्यू दिखाने की। ग्रीनरी के बीच में ये ब्लैक कलर का जो कॉटेजेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यह है इन कॉटेजेस का फ्रंट साइड का व्यू। आप यहाँ पे भी आके बुकिंग कर सकते हैं इसकी, और आप चाहें तो इसकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के जो डिटेल्स हैं मैं आपको कैप्शन में डिटेल्स डाल दूँगी। वैसे तो बस्तर बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन ये अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो प्लेस है ये फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन कॉटेजेस के आगे है पूरा ग्रीन मैदान जहाँ पे किड्स आसानी से खेल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो हम शॉर्टकट ले लेते हैं, अदरवाइज़ अगर आप ये वाले रोड को फॉलो करेंगे तो ये जाएगा रेस्टोरेंट की तरफ, बट मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, तो मैं जल्दी से कॉटेज का व्यू आपको फिनिश करती हूँ। इन रिजॉर्ट्स में बुकिंग आप इंडिया के सारे मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि मेक माई ट्रिप, yatra.com, booking.com और ट्रिप एडवाइज़र से कर सकते हैं। साथ ही इसमें बुकिंग आप छत्तीसगढ़ की टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो पे आप जो नेचर ट्रेल देख रहे हैं, ये नेचर ट्रेल का जो रास्ता है वो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा, और आप यहाँ पे पहुँचेंगे गेट नंबर 3 पे, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन शायद अभी है रेन का सीज़न और बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए डेंजरस भी है और ये रास्ता अभी क्लोज़ किया हुआ है। हो सकता है कि समर के टाइम पर ये रास्ता ओपन हो। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम हैं इनके बैक साइड पे, और यहाँ पे दिखता है यहाँ से ब्यूटीफुल सा व्यू। इन कॉटेजेस के पीछे काफ़ी बड़ी बालकनी है, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के आराम से इस ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय कर सकती है। आप देख ही सकते हैं कि इन कॉटेजेस की जो बैरिकेडिंग है रिवर के साइड वो काफ़ी अच्छे से है, तो ये किड्स के लिए भी सेफ़ है। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।